हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 7। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 6 बिफोर वॉचिंग पार्ट 7। सो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या है? प्रोटेक्शन शब्द से ही मतलब है कि क्रॉप का प्रोटेक्शन करने का तरीका, मैनेजमेंट। क्या तरीके हो सकते हैं और किससे प्रोटेक्शन करना है? तो क्रॉप की प्रोटेक्शन करने के लिए कई तरह की चीजें हैं जिससे हमें क्रॉप को बचाना होता है, और प्रोटेक्शन अगर अच्छी तरह से ना करें तो हो सकता है कि क्रॉप जो हमने प्रोड्यूस किया वो या तो प्रोड्यूस होने के दौरान ही लॉस हो जाए या प्रोड्यूस होने के बाद लॉस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे, किससे लॉस होगा और क्यों लॉस होगा, कौन ले जाएगा इसको, कौन खराब करेगा, ये समझने की जरूरत है ये सारी चीजों में। यही मजेदार टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में किससे प्रोटेक्शन करना है और क्या क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए, प्रोटेक्शन का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी बातों को हमें आज इंक्लूड करना है। प्रोटेक्शन सबसे पहले कि क्रॉप प्रोटेक्शन किससे करना है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है? अनवांटेड अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप्स, ये होते हैं जो सारे न्यूट्रिशन को आपको लेके चले जाते हैं। जो आप न्यूट्रिशन अपने क्रॉप के लिए सप्लाई करते हैं, ये न्यूट्रिशन वो सारे वीड्स लेके चले जाते हैं, खरपतवार जिसको कहते हैं। ये खरपतवार जो होते हैं बहुत सारे जो प्लांट में अनवांटेडली ग्रो कर जाते हैं, ये सब अपने आप पैदा हो जाते हैं, इनको कोई कल्टिवेट नहीं करता, लेकिन अपने आप को ग्रो कर जाते हैं। और जो प्लांट के लिए आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो नहीं ले जाकर के ये सारे खरपतवार और ये सारे जो चीजें हैं, वीड्स हैं, ये सब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके जरिए क्या होता है कि जो आपने न्यूट्रिशन या सॉयल में है या सप्लाई की हुई है, वो सारी के सारी न्यूट्रिशन का फायदा मोस्टली मोस्टली नॉट सारी के सारी बट मोस्टली वो जो है वीड्स लेके चले जाते हैं। तो क्रॉप बढ़िया नहीं हो पाता, इसलिए उनसे बचाने के लिए क्या होना चाहिए, क्रॉप में वीड का नहीं होना चाहिए। सो वीड्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, जो कि क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं, खा जाते हैं, अंदर ही अंदर उसको खराब कर देते हैं, तो क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। इंसेक्ट से बचाने के लिए प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि आप क्रॉप को बचा सकते हैं। अब तीसरा जो चीज होती है वो होती है कि क्रॉप को बचाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो स्टोरेज अच्छा कर सकते हैं, स्टोरेज से हम बचा सकते हैं क्रॉप को। प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से क्रॉप का लॉस होता है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, जैसे रैट है, ये सब भी खा करके खत्म कर देते हैं, और तरह तरह के जानवर भी हैं जो कि खा कर खत्म कर देते हैं। इवन सो मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो हु कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स एंड ग्रेन्स आफ्टर इन ड्यूरिंग द स्टोरेज टाइम। तो ये सब चीजों से भी बचाना है हमें क्रॉप को, तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में इन्हीं सारी बातों का हमें डिस्कशन करना है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हियर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, व्हाट इज दिस क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट? What? Crop protection management. Crop protection management is the method to reduce the loss of crop from weeds, insects, pesticides and crop diseases during the production of crop and post-production of crop as well. So, crop protection management, it is the process. It is the process in which crop can be protected from weeds, insects, pests, right? Crop diseases and other factors during
during the development of crops and post-production, right? So this is the process in which we can protect crop from weeds, insects, pests, crop diseases and other factors during the development of crops or growth of crops and post-production as well. So what is the crop method of crop productions? Crop productions can have different type crop production protection management. The various way. One is in which we can use weeds. The second one is insects or pests. The third one is crop diseases, and the fourth one is storage. This is the post production. So crop protection can be from the following ways. Now let us discuss one by one. What are the weeds and how we can protect weeds, crop from weeds, and what are the this. So first one we are going to discuss about the weeds. So weeds, what is this? Weeds is nothing else but weeds are unwanted plant which grown up self in between the crops in the same land. It encroaches the nutrition, a space, light sharing of the crops, right now. So this type of encroachment distribute the space, this light शेयरिंग, बिकॉज इट विल बी, अगर बहुत ज्यादा वीड्स हो जाए तो जो प्रॉपर लाइट मिलना चाहिए था फूड न्यूट्रिशन के लिए क्रॉप को, वो नहीं मिलेगा. तो इस तरीके से लाइट शेयरिंग में भी दिक्कत होती है. बहुत ज्यादा वीड्स अगर हो जाए तो प्लांट्स के बीच में, तो उनको लाइट प्रॉपर नहीं मिलती, तो ग्रो नहीं कर पाते. दूसरी चीज ये कि जो स्पेस है वो भी बहुत ज्यादा, पहले अगर क्रॉप के इन बिटवीन टू क्रॉप्स देयर इज अ सर्टेन स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स, वो अगर बीच में वीड्स बहुत ज्यादा हो गए तो उनको जो स्पेस देना चाहिए था वो स्पेस भी नहीं मिला. तीसरा ये कि जो न्यूट्रिशन आपने सप्लाई किया सॉइल के अंदर है वो भी सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो हर जगह इंक्रोचमेंट है, पूरी से पूरी इंक्रोचमेंट है. वीड्स क्या कर रहा है? एक इंक्रोचमेंट कर रहा है. और ये होता क्या है? ये अनवांटेड प्लांट्स होती है जो कि क्रॉप के अंदर ग्रो कर जाता है, ठीक है. सो ड्यू टू इंक्रोचमेंट ऑफ weeds, due to encroachment of weeds, the growth of plant, growth and development of crops affect adversely. ठीक है. सो टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स द फार्मर शुड रिमूव
should remove them from the land in time, समय रहते उसको निकाल देना चाहिए, ताकि जैसे ही उसको निकाल दें तो क्या होगा, वो जो है वो जितना न्यूट्रिशन ले रहा है वो अब ले नहीं पाएगा। तो कौन कौन से ऐसे वीट्स होते हैं, आइए कुछ नाम लेते हैं कुछ वीट्स का। फॉर एग्जाम्पल पेरेंथियम, इसको गाजर घास भी कहते हैं, इसको कहते हैं गाजर घास, गाजर की तरह होता है लेकिन होता घास है, बाहर से देखने में लगता है गाजर घास इसको कहते हैं। और गाजर घास के अलावा, पेरेंथियम के अलावा, साइप्रस एरेंथम, ये होता है मोथा इसको कहते हैं। तो ये भी होता है एक साइप्रस एरेंथम, तो ये मोथा इसको कहते हैं। इस तरह के कुछ घास होते हैं जो कि ग्रास, और भी होता है जो ये अनवांटेड वीड्स होते हैं, और ये यूजुअली अपने आप ग्रो हो जाते हैं क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो ऑलरेडी ग्रास में, वो ऑलरेडी सॉइल में होते हैं, और वो कहीं से ना कहीं से वो फिर से पनप पाते हैं सीजन के साथ ही। तो इस तरीके का ये जो है अनवांटेड है, और इनकी जो है जरूरत नहीं होती, इनको समय समय पे निकालना पड़ता है। सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड्स, यू नो, सो यू कैन सी दिस इज द मोथा, कॉल्ड मोथा। सो मोथा इज नथिंग एल्स बट दिस टाइप ऑफ, दिस इज कॉल्ड मोथा, यू नो, एंड दिस इज ए गाजर घास, इसको कहते हैं गाजर घास, राइट। दिस इज कॉल्ड वाइल्ड ओट्स होता है, ये होता है वाइल्ड वीट गेहूं में पैदा होते। देखिए गेहूं की खेत है, इसमें अंदर ये जो है ये पैदा हो गए हैं, इसको हम बन गेहूं कहते हैं, वाइल्ड वीट। तो इस तरीके का जो है वो अलग अलग तरह के, ये देखिए प्लांट के अंदर ये ग्रुप किए हुए हैं, और ये सारी चीजें जो मिल करके होता है, ये सारे जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन है उसको शेयर कर लेते हैं। इतना ज्यादा ही कंजेस्टेड हो गया, देखिए कि लाइट शेयरिंग की भी दिक्कत है, तो स्पेस शेयरिंग, लाइट शेयरिंग और न्यूट्रिशन शेयरिंग सब कुछ होता है इसके अंदर, और ये सारी चीजें जो है ये प्लांट को किसी न किसी तरह से हार्म पहुंचाती है। सवाल ये है कि इसको बचाया कैसे जाए, अब ये सवाल ये है कि इसको बचाया कैसे जाए, क्या कंट्रोल मेजर होनी चाहिए। तो कंट्रोल मेजर क्या होना चाहिए, ये सब हमें देखना है। तो इसके चार तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा होता है मैकेनिकल कंट्रोल, तीसरा हो सकता है केमिकल कंट्रोल, और चौथा हो सकता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। ये क्या क्या हो सकते हैं, यानी मेथड, कंट्रोल मीन्स मेथड। सो मेथड इन विच प्रिवेंटिव मेजर्स, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स इन विच वी कैन कंट्रोल दिस। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहला क्या करते हैं कि समर में जनरली अब इसको प्लाउइंग कर देते हैं। इससे क्या होता है कि समर डेज में बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से जो ये वीड्स होते हैं वो जल जाते हैं, उसके जो ब्रांच है वो सारी के सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो जल के खत्म हो जाते हैं, उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिलता, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता उस टाइम समर में। तो इसलिए समर में क्या करते हैं कि प्लाउइंग कर देते हैं। मैं देखता हूँ, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, तो मैंने देखा है कि गर्मियों के दिन में क्या करते हैं कि जुताई कर देते हैं, खेत की पूरी तरह से प्लाउइंग कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी जो चीजें होती है, जो घास होता है, जो वीड्स होते हैं, वो सारे के सारे सूख जाती है और सूख के खत्म हो जाता है। तो एक तो ये हो गया,
दूसरा हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकता है, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन करने से एक खास तरह के जो वीड्स होते हैं वो एक ही क्रॉप में बार बार आते हैं, तो जब डिफरेंट टाइप के क्रॉप हम करते हैं तो इजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनको हम निकाल सकते हैं। तीसरा इंटरक्रॉपिंग भी करना चाहिए, इससे भी फायदा होता है। इंटरक्रॉपिंग करने से भी जो वीड्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। चौथा, अगर आ भी जाए वीड्स तो उसको प्रॉपर टाइमली टाइमली सोइंग कर दीजिए, प्रॉपर रिमूवल ऑफ रिमूवल कर सकते हैं बाई सोविंग, बाई सोविंग, राइट ना, प्रॉपर रिमूवल बाई सोविंग कर सकते हैं। और जब सीड लगाई जाए तो प्रॉपर सीड प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रॉपर सीड प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीड बेड प्रिपरेशन। तो इस सब से क्या होगा कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इन प्रिवेंटिव मेजर्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम वीड का कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। बढ़िया से जब आप खेत बना रहे हैं तब सीड लगाने के लिए तभी एकदम प्रॉपर करें सब चीजों को, जो कुछ उसमें है कोई वीड्स का अगर किसी भी तरह का पार्ट दिखता है तो उसको आप निकाल के बाहर फेंक दें। तो खेत बोते समय, खेत की जब बुआई होती है, खेत की जब सीड प्रिपरेशन होती है, तब इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स पहले ही अपनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ मैकेनिकल मेथड भी है, जैसे आप फ्लडिंग कर दें तो जो चीज जो है पानी में सड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी वीड्स होते हैं जिसको ज्यादा वाटर लॉगिंग होने की वजह से वो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। प्लॉइंग कर सकते हैं टाइम टू टाइम, राइट, प्लॉइंग करने से टाइम टू टाइम बार बार प्लॉइंग करने से भी वो निकल जाते हैं और पूरी तरह से फैल नहीं पाते, तो ये भी हो सकता है कि मैकेनिकल मेजर। तीसरा होता है अपरूटिंग कर दीजिए, जैसे जैसे वो निकलते जाए उनको काट के निकालते जाइए, तो अपरूटिंग करने से भी निकल जाता है, ऊपर से निकाल करके और उनको निकाल देते हैं तो अपरूटिंग करने से भी निकल जाता है। और तीसरा मैकेनिकल मेजर, और चौथा हो सकता है कि कुछ लोग खेत में आग लगा देते हैं, तो बर्निंग करने से भी क्या होता है कि वीड्स जो है वो जल जाते हैं, तो बर्निंग करने से भी ये सब मैकेनिकल कंट्रोल है जिसकी वजह से खेतों में लोग आग लगा देते हैं तो जो वीड्स होते हैं वो जल जाते हैं और फिर वो दोबारा नहीं उगते। तो इस तरीके का हो सकता है। केमिकल कंट्रोल में क्या कर सकते हैं कि स्प्रेड कर सकते हैं हर्बिसाइड्स एंड केमिकल कंट्रोल में एक हर्बिसाइड्स, स्प्रेइंग हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स ये हम स्प्रे करते हैं। तरह तरह के अब केमिकल आ गए हैं बाजार में जिसको कि स्प्रे करने से ये सारे जो वीड्स होते हैं वो जल जाते हैं और फिर से वो उगते नहीं है। कुछ इसी तरह के केमिकल का नाम है, केमिकल है जैसे एक केमिकल का नाम है अट्राजिन 2,4-D, ये केमिकल है जिसको आप स्प्रे कर दें अगर, तो स्प्रे करने से क्या होगा कि ये जो हर्बिसाइड्स हैं और वीडिसाइड्स हैं सारे के सारे जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये थोड़ा रिस्की अप्रोच है बट स्टिल इट इज यूजफुल। इसमें क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो है उसमें हम एक इंसेक्ट को, यूज ऑफ इंसेक्ट्स, यूज ऑफ इंसेक्ट्स विच कैन कंज्यूम वीड्स और डिस्ट्रॉय इट, और डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय इट और डिस्ट्रॉय इट, डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होती है, कुछ फंगस होती है, कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको यूज करने से ये वीड्स को कंज्यूम कर लेते हैं या डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो ये सारे कंट्रोल मेजर्स हैं जिसके जरिए हम वीड्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड वाली बात थी वो है क्या, हमारा इंसेक्ट एंड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स ये क्या करते हैं, ये किस तरह से हम पहुंचाते हैं। तो जो मेथड है ये द फॉलोइंग वे इंसेक्ट्स पेस्ट्स मे बी हार्मफुल, हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या क्या हो सकता है। पहला हो सकता है कि ये जो इंसेक्ट्स हैं ये
ये क्या करें कि ये स्टेम को ही कट कर देते हैं, रूट को कट कर देते हैं, लीफ को कट कर देते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे देखेंगे जिसमें इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं, पत्तियों को खा जाते हैं। रेशम के कीड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, पत्तियों को ही खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हैं वो क्या करते हैं, दे कट रूट स्टेम और लीफ, दे कट रूट स्टेम एंड लीफ ऑफ द क्रॉप, लीफ ऑफ द क्रॉप, क्रॉप, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है हार्मफुल पहुंचाने का, दे बोर इनटू ए स्टेम और फ्रूट ऑफ क्रॉप, ठीक है। जैसे आप कभी एप्पल लेके आए होंगे तो देखते होंगे बाजार से, कभी एप्पल लेके आए होंगे तो उसके अंदर यहां से इस पार से उस पार छेद रहता है। छेद कैसे रहता है, कोई उसमें जो है इंसेक्ट वो पूरी तरह से उसमें छेद कर देता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है और उसको आप नहीं लेना चाहते। इसी तरह से तरह तरह के जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर ये इंसेक्ट बोर कर देते हैं, पूरी होल कर देते हैं और स्टेम में भी होल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हार्मफुल होता है। तीसरा जो तरीका है हार्मफुल पहुंचाने का वो क्या है, दे सक द सेल, सेल सैप फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ये होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये हार्मफुल इम्पैक्ट पहुंचाते हैं। तो ये तीन चार तरह से ये जो है इंसेक्ट्स ये प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं। अब इनके कंट्रोल मेजर क्या है, हाउ कैन यू कंट्रोल दिस, सो कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स, मेजर्स, व्हाट आर कंट्रोल मेजर्स इन विच वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लॉस। पहला, यूज ऑफ पेस्ट्स इन समर फ्लावरिंग, इन समर प्लाउइंग, राइट। दूसरा ये कर सकते हैं कि जब उस समय तो आप खाली है तो आप कोई भी पेस्ट इस्तेमाल करें, और पेस्ट इस्तेमाल करने से जो उसमें जो इंसेक्ट और बैक्टीरिया और बाकी जो होंगे वो सारे मर जाएंगे। तो दूसरा एक ये चीज होती है कि ऐसी वैरायटी इस्तेमाल किया जाए जो रेजिस्टेंस हो, तो यूज द रेजिस्टेंट वैरायटी, रेजिस्टेंट वैरायटी, वैरायटी, ऐसी क्रॉप का वैरायटी इस्तेमाल करें जो इनसे रेजिस्टेंट हो। तो रेजिस्टेंट वैरायटी का इस्तेमाल करने से भी बचाया जा सकता है। तीसरा जो मेजर होता है कि यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। और चौथा तरीका हो सकता है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन द सॉइल, इंसेक्टिसाइड्स इन द सॉइल, ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। ये पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, स्प्रेइंग, स्प्रेइंग होती है, और स्प्रेइंग होती है या ऊपर से इसको क्या करते हैं स्प्रे करके। और इसमें कौन सा जो होता है मेन पेस्टिसाइड जो होता है उसका नाम है थियोडान, थियोडान लिंडेंस, लिंडेंस, ये पेस्टिसाइड यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। बट इसके साइड इफेक्ट भी है, लेकिन क्या करोगे, आप प्रोडक्शन बचानी है, प्रोडक्शन को ग्रोथ करानी है तो पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ता है। तो ये कंट्रोल मेजर्स है जिससे हम पेस्टिसाइड से और इंसेक्टिसाइड से बचाव कर सकते हैं। अब क्रॉप डिजीजेज, क्रॉप डिजीजेज, क्रॉप डिजीजेज से कैसे बचोगे और इसको कैसे बचाना है। अपने क्रॉप को डिजीज से बचाने के लिए, क्रॉप डिजीज से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्रॉप डिजीज से बचाने के लिए जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, फंजाई, फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस, इन सब से ये पैथोजेंस कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पैथोजेंस। और ये कहां से आते हैं, ये आते हैं थ्रू सॉयल,
वाटर, एयर, ये सब वेक्टर्स हैं जिसके जरिए ये सब आते हैं और ये क्रॉप में डिजीज फैलाते हैं। ये क्रॉप में डिजीज फैलाते हैं और इससे जो है क्रॉप का लॉस होता है। सो क्रॉप डिजीजेज में ये सारी बातें होगी और ये पैथोजेंस कहे जाते हैं जो तरह तरह के सॉयल और वाटर और एयर के जरिए इंटर करते हैं, ये क्रॉप को हार्मफुल करते हैं। तो अब इनसे कौन कौन से मेजर समय अपनाने चाहिए ताकि क्रॉप डिजीज से बच सके। अब इस डिजीज से बचने के लिए क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे क्या करेंगे, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, राइट, ये सब जो है ये हम स्प्रे, फंगिसाइड्स, ये सारे चीजें, ये सब पेस्टिसाइड के ही टाइप हैं, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं ये सब इन ड्यूली टाइम सो दैट वी कैन प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम सच डिजीजेज। इसके अलावा केमिकल स्प्रे, केमिकल कैन बी यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कैन बी यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक केमिकल कैन बी यूज टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीजेज, ठीक है, स्पेसिफिक डिजीजेज। तो ये है क्रॉप डिजीजेज से बचाने का तरीका। अब हमारे पास बात आती है स्टोरेज का, तो स्टोरेज क्या है, स्टोरेज में कौन से हमें प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। ड्यूरिंग स्टोरेज द पॉसिबल लॉस आर ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज दिस आर स्टोरेज कैन बी टू वेज, वन इज बायोटिक फैक्टर एंड सेकेंड इज अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर क्या है जिसकी वजह से लॉस हो सकता है, इसमें आते हैं आपके इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई, माइट्स एक्सेट्रा, ये सब जो है ये सब हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं। अबायोटिक प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, इन सब से प्रिवेंशन होनी चाहिए। अबायोटिक में आएगा जैसे टेम्परेचर नहीं है, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब अगर नहीं है प्रॉपर, लाइट भी होना चाहिए, तो ये सब चीजें प्रॉपर नहीं होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो हो सकता है पॉसिबल जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी, लॉस इन वेट, राइट, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेटिंग कैपेसिटी, हो सकता है फिर से उसको जर्मिनेट करने के लिए दोबारा बोने लायक ना रहे। चौथा जो हो सकता है इसकी वजह से वो हो सकता है डिसकलरेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये सब चीजें हो सकती है, कलर उसके अच्छे ना हो, शाइनिंग ना हो, ठीक है। आप देखते होंगे कि जब गेहूं की फसल होती है अगर बारिश में भीग जाए तो उसका उसमें शाइनिंग खत्म हो जाती है, उसका कलर खराब हो जाता है और उसको फिर से दोबारा उसकी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी भी उसकी खत्म हो जाती है। उसको दोबारा हम बुआई करें, अगर दूसरा दोबारा उसको यूज करें फिर से कल्टीवेट करने के लिए क्रॉप को, तो उसमें से बहुत कम ऐसे हैं जो फर्टाइल होते हैं जिसमें जर्मिनेटिंग कैपेसिटी रहती है, बहुत कम, उनकी कैपेसिटी मैक्सिमम की लॉस्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर जो है वो हमारे को
नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हम प्रॉपर स्टोरेज ना रखें। तो अब सवाल है कि इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होने चाहिए। तो प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए स्टोरेज के दौरान, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट वन इज क्या करना चाहिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स में, पहला स्टोरेज मस्ट बी इन वेयर हाउसेज, वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस में प्रोडक्ट स्टोरेज। दूसरा स्ट्रिक्ट क्लीनिंग क्लीनिंग बिफोर स्टोरेज होनी चाहिए, ठीक है, खूब बढ़िया से साफ सफाई करके उसके बाद उसको स्टोर करना चाहिए। ये नहीं कि आधे अधूरे उसमें गंदगी लगी है और उसमें कोई और चीज लगी है, जिससे बैक्टीरिया के डेवलप होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, फंगस वगैरह ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। इसलिए पहले अच्छी तरह से उसको क्लीन करके उसको अच्छी तरह से सुखा करके फिर रखना चाहिए। तीसरा प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर ड्राइंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन शेड ऑल्सो, ठीक है, उसके बाद उसको रखना चाहिए। चौथा हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, राइट ना, हाइजीन ऑफ स्टोरेज शुड बी मेंटेन ठीक है। ये सारी प्रिवेंटिव मेजर्स है और ये सारी प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से क्या होगा कि आप इस सब लॉस को बचा सकते हैं, राइट। तो ये मेंटेन कर सकते हैं और प्रॉपर हाइजीन को आप मेंटेन कर सकते हैं। देखिए मेंटेन, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो क्रॉप प्रोटेक्शन है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि अगर हमने पैदा कर भी दिया और उसको बचाया नहीं, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो ओवरऑल जो शुरू से जितनी मेहनत की है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा खत्म हुआ और अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है तो हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मस्ट राइट टू अस, ठीक है, थैंक्स, गॉड ब्लेस।